जहां है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहीं पर है राजनीति की कई धाराओं का उद्गम। देश को दिशा देता एक प्रदेश, जहां से नेतृत्व पाता है अक्सर ये देश। ढेर सारी खबरों का खजाना है उत्तर प्रदेश। हम इन खबरों से करवाएंगे आपको रूबरू। नमस्कार, केपी टीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उर्विंग। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जनपद फरुखाबाद के कमालगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सपा पर सबसे अधिक हमला बोला। सीएम ने कहा कि सपा की सरकार में सबसे ज्यादा दंगे हुए, लेकिन बीजेपी सरकार में कंबड़ यात्रा निकल रही है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार भोजपुर विधानसभा को इस्लाम बनाने में लगी हुई है। भोजपुर विधानसभा की जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फरुखाबाद कल्याण सिंह व ब्रदर द्विवेदी की कर्म भूमि रही है, उनका सानिध्य यहाँ की जनता को मिलाना है। इसके उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान जब देश की चपेट में था, डबल इंजन की सरकार उनकी मदद में लगी हुई थी, आज देश सुरक्षित है, लेकिन उस समय सपा बसपा व कांग्रेस कहाँ थी। विरोधी लोग बीजेपी की वैक्सीन का दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन का डोज लेने से ही आज कोरोना में तहरीर लहर कुछ नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि यदि वैक्सीन लगवाने से जान बचती है तो वोट भी योगी और मोदी वैक्सीन को मिलेगा। पिछली सरकार में अपराध चरम पर था, आज प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज प्रदेश में दंगा नहीं, कंबड़ यात्रा निकल रही है। अपराधियों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। बीजेपी की प्रदेश सरकार में हाईवे गंगा जैसी नदियों को अरबल बनाने का काम चल रहा है। पहले बिजली राशन आदि का पैसे खो जाते थे, लेकिन आज महीने में दो बार फ्री राशन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर किसानों को कर्ज माफ कर दिया जाएगा। जो किसान का शोषण करते थे उन्होंने ठीक किया है। सीएम ने कहा कि सरकार का फॉर्मूला है एक हाथ में विकास, दूसरे हाथ में बुलडोजर। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार अपने परिवार के लिए चिंता करती थी, इसके बाहर उसके प्रदेश नहीं दिखता था। मंच पर मौजूद विधायक नागेंद्र सिंह राठौर कमालगंज में भोजपुर विधानसभा के प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिछली सपा सरकार भोजपुर को इस्लाम बनाने का सपना देख रही थी, आज विकास की योजना का लाभ समाज के हर तबके को मिल रहा है। कोरोना के फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार व फ्री में वैक्सीन दी। उन्होंने कहा जो लोग सपा की सरकार में भोजपुर व फरुखाबाद को इस्लाम बनाना चाहते थे, उन्होंने कभी बिजली दी, उन्होंने तो इस क्षेत्र को डार्क जोन बना दिया था। अंधेरे में रहने वाले आदि को कहावत है कि चांदनी रात को चारों ओर अच्छी सी नहीं लगती। आज बिजली सबको मिल रही है, आगे मौका दिया तो हर गली में हर योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि फरुखाबाद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी होगा, गंगा एक्सप्रेस व लिंक रोड भी जोड़ा जाएगा। सांसद मुकेश राजपूत, जिला प्रदेश के अरुण पाठक, बाज युगमोई प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी, सत्यपाल सिंह, डॉक्टर रजनी सरीन, बीजेपी सदर प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, कुलदीप गंगवार आदि रहे। जनपद और रेस सत्यम कटियार की रिपोर्ट।